अमित शाह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोड शो बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज का रोड शो काफी ज्यादा अहम है, जो बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल रोड तक जाएगा। उसको लेकर जगह जगह तैयारियां भी की गई हैं। शाम में कहा जा रहा है कि मोहरकुट रिजॉर्ट में वो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद आज शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अमित शाह। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल हनुमान मंदिर है जहां पर जाकर दर्शन करते हुए बजरंग बली के यहां पर गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब हनुमान जी के दर्शन के बाद उनका रोड शो का जो कार्यक्रम है वो अब शुरू हो जाएगा, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके ठीक पहले जब वो बाउल गायक के परिवार के घर पर भोजन करने के लिए पहुंचे हुए थे, उसके ठीक पहले उन्होंने शिवलिंग पर जाकर दुग्धाभिषेक किया, वहां पर पूजा अर्चना की थी और उसके बाद अब हनुमान मंदिर जाकर वहां पर बजरंग बली के आशीर्वाद लेते हुए गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित ये हनुमान मंदिर है और यहां से बोलपुर सर्कल तक रोड शो करने का उनका ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम, बजरंग बली के आशीर्वाद लेने के बाद अब यहां से सीधे वो पहुंचेंगे अपने रोड शो के लिए, जिसका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित किया गया। लेकिन ये दो दिवसीय उनका दौरा काफी ज्यादा अहम रहा, क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के अलावा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि लेफ्ट के भी कई नेताओं को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया, बल्कि मिदनापुर की बड़ी रैली के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल में देने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी की जो 87 सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए किस तरह की प्रतिबद्धता यहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। और आज ये वीरभूमि से बोलपुर से ये बड़ा संदेश अपने रोड शो के जरिए, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी इन तस्वीरों के जरिए आप कह सकते हैं, बोलपुर चौरास्ता होते हुए डाक बंगला रोड तक उनका आज का ये रोड शो होना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल इतना ज्यादा अहम क्यों है, ये भी आपको जानना चाहिए। और इसके लिए पीछे अगर भारतीय जनता पार्टी के सियासी इतिहास को देखें, 2001 से अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2001 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने एक भी सीट हासिल नहीं की थी और उस समय उसको वोट मिले थे सिर्फ 5.19%। 2006 के चुनाव में भी खाता नहीं खुला और वोट मिले 1.93%। 2011 में भी बीजेपी की स्थिति जस की तस रही, यानी कि खाता नहीं खुला लेकिन वोट बढ़कर 4.06% हो गया। 2016 में बीजेपी का पहली बार खाता खुला, उसको 3 सीटें विधानसभा में मिली और वोट भी दहाई का आंकड़ा पार कर गया था, यानी कि 10.16%। लेकिन आपको बता दें, अगर विधानसभा के साए में लोकसभा के चुनावी नतीजों को हम देखें तो लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर से 2019 बहुत बड़ी जीत कर लेकर आया। लेकिन 2004 की अगर हम बात करें तो उस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बंगाल में खाता नहीं खुला था लेकिन वोट मिले थे 8.06%। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तो खुला जब एक सीट मिली लेकिन वोट गिरकर 6.14% रह गया, यानी कि 2004 के मुकाबले 2002 में 2% के आसपास वोट कम हो गए। 2014 में 2 सीटें मिली, 2014 ये वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत के साथ, और ये देखिए अब रोड शो की शुरुआत होने जा रही है पश्चिम बंगाल में अमित शाह की, और ये उनका रोड शो का लंबा चौड़ा कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई तभी से इसकी नजरें पश्चिम बंगाल की धरती पर टिकी हुई थी और अब उनका ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शुरू होता हुआ। 2014 में 2 सीटें जीतने वाली इस पार्टी ने 2019 में कमाल कर दिया और 42 सीटों में से 18 सीटों पर विजय पताका बीजेपी की फहरा दी। 2019 की इस चुनावी जीत ने बीजेपी के मन में महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा ज्वार भरा जिसके जरिए 2021 के चुनावों को वो जीत लेना चाहती है, और इसीलिए बार बार अमित शाह दावा करते हुए कि अब की बार 200 पार और उसी 200 पार के तहत वीरभूमि पश्चिम बंगाल के इस बोलपुर स्थान से उनका ये रोड शो जिसके जरिए वो पूरे समूचे पश्चिम बंगाल में बड़ा संदेश देने की कोशिश अपने इस रोड शो के जरिए। और देखिए किस तरह से हर जगह भगवा रंग से रंगा गया है इस पूरे के पूरे हिस्से को, जहां जहां से
ये रोड शो गुजरेगा। ये जो रथ बनाया गया है उस पर सवार हो चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह और अब उनका ये रोड शो शुरू होता हुआ, जिसमें भारी तादाद में पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सम्मिलित हैं और इसी के जरिए वहां की जनता को जो 10 करोड़ की बड़ी आबादी है उसको बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर अमित शाह के विकेट हाथ लाकर किस तरह का वहां के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए गृहमंत्री का। एक बार सुनते हैं वहां पर किस तरह का माहौल है। जिस पश्चिम बंगाल की धरती पर अमित शाह की इस वक्त मौजूदगी है, दरअसल पश्चिम बंगाल जहां की मिट्टी में क्रांति के फूल खिलते हैं, जो खुदीराम बोस की धरती है, जहां के हवाओं में इनकलाब की सदाएं गूंजती हैं, राजा राममोहन राय इसी मिट्टी के हैं। यहां की परंपरा में सड़ी गली रिवाजों को तोड़ने का चलन रहा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद यहीं से निकले, यहां से धर्म की नई परिभाषा निकली रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका जिक्र करते हुए और आज उनके स्थान पर जाकर उनको नमन भी किया है गृहमंत्री अमित शाह ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये धरती है और यहां की मिट्टी से हिंदुस्तान के लिए आवाज भी उठी, जय हिंद। लेकिन आपको बता दें, इस मिट्टी को जीतने का ख्वाब बीजेपी हमेशा से ही बनती रही। 40 साल पुरानी ये पार्टी, जिसका गठन 1980 में होता है, लेकिन तब से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल उसके लिए सिर्फ सपना रहा, लेकिन अब उसके पास एक सुनहरा मौका है इस सपने को जीवंत करने का, उसको पूरा करने का, और इसी वजह से अमित शाह पहुंचे हुए हैं इस रोड शो के जरिए समूचे पश्चिम बंगाल की जनता को एक बड़ा मैसेज देने के लिए। रोड शो की शुरुआत हो गई बोलपुर चौरस्ता होते हुए डाक बंगला तक, ये रोड शो का उनका भव्य कार्यक्रम है और आप देख पा रहे हैं दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए किस तरह से आप जो पश्चिम बंगाल की जनता है, जो बोलपुर के लोग हैं, वीरभूमि की जो आबादी है वो उनका स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 2016 तक अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाने के लिए कुछ देखा नहीं जा रहा था। हालांकि पूरी ताकत से वो लड़ती जरूर, लेकिन कामयाबी उसको मिलती नहीं थी। लेकिन इस बार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं 2019 की विजय के बाद हौसले बुलंद, क्योंकि 42 में से ममता बैनर्जी की पार्टी ने जहां सिर्फ 22 सीटें जीती तो वहीं 18 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिला दिया और उसी जीत से उत्साहित 2021 में प्रचंड जीत का दावा कर वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का दावा करती हुई ये पार्टी, हालांकि उसका मुकाबला टीएमसी की लीडर ममता बैनर्जी से है। ममता बैनर्जी जिन्होंने लेफ्ट के कई सालों के शासन को उखाड़ फेंका था, जो से मिट्टी से जन्मी हुई है। अमित शाह को भी पता है कि ममता बैनर्जी को सत्ता से बेदखल करना इतना आसान नहीं। देश के दूसरे राज्यों में जैसे बीजेपी की विजय पताका फहरी, इसीलिए दमखम के साथ ये पार्टी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा देना चाहती है, ताकि वहां पर इसको शानदार जीत मिल पाए और नंबर वन पार्टी बनकर ये उभरे। देखिए सड़कों को किस तरह से सजाया गया है, चारों तरफ आपको कमल के फूल के झंडे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जहां जहां से ये रोड शो गुजरना है वहां वहां पर भगवा ऐसे लहर रहा है जैसे कि सत्ता को लेकर बीजेपी की ललक इन तस्वीरों के जरिए समूचे बंगाल में जा सके, पहुंच सके। और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि बंगाल की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा दम लगाना होगा, तभी वहां पर बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी।
जय श्री राम के नारे लगते हुए इस वक्त, और देखिए किस तरह से फूलों की बारिश की जा रही है गृहमंत्री के ऊपर। भारी तादाद में वहां पर इस रोड शो का हिस्सा बनने वालों का जमावड़ा भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा गृहमंत्री अमित शाह का, सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए चारों तरफ, हालांकि कोरोना का काल है लेकिन पैर रखने तक की जगह नहीं, इस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर बीजेपी की शक्ति की हम बात करें, हालांकि पश्चिम बंगाल में उसको विधानसभा जीतने के लिए भी और ताकत लगाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको बताते चले कि पूरे देश में 543 जो लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें मौजूदा वक्त में 539 मेंबर हैं, उनमें बीजेपी के पास अकेले 302 लोकसभा के सांसद हैं। 245 राज्यसभा में से भारतीय जनता पार्टी के पास 93 राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो देश भर की कुल 4033 विधानसभा में से 1301 अकेले भारतीय जनता पार्टी, किसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत ये पार्टी। जबकि अगर विधान परिषद में 426 में से 94 ये पार्टी। मनोज्ञ लोहिवाल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुकी है। मनोज्ञ, काफी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे आप तक आवाज पहुंच पाए, क्योंकि आप ही इस रोड शो में मौजूद हैं जहां से आप सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। रोड शो शुरू हो चुका है, काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त देखी जा रही है और पूरा का पूरा इलाका भगवा रंग में रंगा हुआ। आसपास क्या देख रहे हैं मनोज्ञ आप? भीड़ बहुत ज्यादा है और बिल्कुल साफ आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दरअसल
जो आवाजें इस वक्त हम सुन पा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 200 के पार के नारे इस वक्त गूंजते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन इस धरती से, वीर भूमि से अपने आप में ही नाम के जरिए ही स्पष्ट है कि दरअसल यहां से किस तरह का बड़ा मैसेज समूचे बंगाल को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इंद्रजीत, आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं? जैसा कि मैं तस्वीरों में देख रही हूं, कैलाश विजयवर्गीय से कुछ गुफ्तगू करते हुए गृहमंत्री यहां पर दिखाई दे रहे थे, और जाहिर तौर पर इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा मैसेज, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ दूर दूर तक नजर आ रही है बीजेपी के इस रोड शो में। बिल्कुल चित्रा, एक मैसेज देने की कोशिश जरूर है इस रोड शो के जरिए, और सिर्फ यही रोड शो नहीं बल्कि आज का पूरा दिन का जो कार्यक्रम रहा है गृहमंत्री अमित शाह का, वो बोलपुर में है, शांति निकेतन गए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर वो गए, और वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने अपना जो श्रद्धार्घ है, श्रद्धांजलि है, उन्होंने वो अर्पित की। और ये ऐसे एक वक्त पे हो रहा है जब तृणमूल कांग्रेस और खुद ममता बनर्जी खुद बीजेपी पर ये निशाना साध रही है, ये कहते हुए कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है, बाहर से आए हैं, बंगाल की संस्कृति और संस्कृति का धरोहर है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। और कुछ देर पहले मैंने पश्चिम बंगाल के मंत्री डॉक्टर शशि पांजा से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि हर बार अमित शाह या कोई भी बीजेपी के नेता यहाँ पे आते हैं तो एक असॉल्ट होता है, बंगाल की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उस पर आक्रमण होता है, ये तृणमूल का कहना है। और कहीं ना कहीं इस आक्रमण को दरकिनार करने की कोशिश ये रोड शो है, जिसे शो ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, वो करने की कोशिश है। यही कारण है कि कल अमित शाह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के घर गए थे, वहां पे उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बात की, और आज वो शांति निकेतन पहुंचे, विश्व भारती में जाके कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और हम लोग इस वक्त है रविन्द्रनाथ टैगोर के खुद का जो घर है कोलकाता में जोरासांको ठाकुरबाड़ी, वहीं से हम आ रहे हैं लाइव, और सुबह से हमने ये देखा। एक बार मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दरअसल जिस पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में इस वक्त अमित शाह का ये जो रोड शो गुजर रहा है, इसके पहले हम सब ने देखा था कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जमकर तारीफ करते हुए और उनके जरिए दरअसल पूरे के पूरे बंगाल में ये मैसेज देने की कोशिश की, देखिए यहाँ के जितने भी महान लोग रहे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से जोड़कर रखती है, उनके बारे में एक एक बातें विस्तार से बताते हुए अमित शाह नजर आए। लेकिन इंद्रजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बोलपुर है, जो बीरभूमि का ये हिस्सा है, वो बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है? और अगर इस रोड शो का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है तो उसके पीछे के मतलब और मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल, बीरभूम बहुत ही एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है वो तीन भाग में पश्चिम बंगाल को उन्होंने देख रहे हैं, वो तीन भाग में, एक है उत्तरी बंगाल, एक है मध्य बंगाल या राढ़ बांग्ला जिसे कहते हैं, और है दक्षिण बंगाल। बीरभूम का इलाका राढ़ बांग्ला बंगाल में आता है, जो मध्य पार्ट है, जहाँ पे पूर्वी मेदनापुर, पश्चिम मेदनापुर, झारग्राम, बीरभूम ये अंचल है। और क्योंकि ये जगह पे काफ़ी बड़े तादाद में जो शेड्यूल कास्ट है, जो जल ट्राइब है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको वहाँ पे काफ़ी सक्सेस बीजेपी को मिला है 2019 के लोकसभा चुनाव में। और यही कारण है कि झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर और बीरभूम के इन जगहों पे बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये बीजेपी को लगता है कि ये स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है। और इसीलिए जब एक तरफ तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है कहते हुए कि बाहरी पार्टी है, बंगाल की संस्कृति उन्हें नहीं समझ में आ रही है, वही अमित शाह आज चले गए शांति निकेतन, जहां पे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, विश्व भारती कैंपस उन्होंने दौरा किया। और ये भी गौर करने वाली बात है कि विश्व भारती में जब वो गए तो वो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, वो बतौर गृह मंत्री के नाते वो गए हैं विश्व भारती में, और वहां पे कोई पॉलिटिकल स्पीच भी उन्होंने नहीं दिया। टॉप कैमरे से जो ली गई है वो आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह का नजारा इस वक्त पश्चिम बंगाल के इस बीरभूम जिले में देखने को मिल रहा है। और अपने अपने मोबाइल कैमरों के जरिए देखिए खचाखच भीड़ देखी जा रही है, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखाई दे जाएंगे जो कोरोना के इस काल में बिना मास्क के
मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपको भीड़ का हिस्सा बनते हुए नजर आ जाएंगे। कम से कम भीड़ भरे जो हिस्से में अगर कोई भी जाए तो वो मास्क का प्रयोग जरूर करे। जिस तरह की स्थिति इस वक्त कोरोना की देखने को मिल रही है, लेकिन ये उत्साह भी है एक तरीके से, आप ये भी कह सकते हैं। और उस उत्साह के जरिए अपने आप को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए लोग इन तस्वीरों में, और ये देखिए टॉप लेवल से जो कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ अमित शाह के इस रोड शो में उमड़ी हुई है। और इसी के जरिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें इंद्रजीत के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले ठीक ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो टॉप लेवल से ली गई है। एक तरफ रोड शो में कतारों में लगी ये लंबी गाड़ियां जो कि धीरे धीरे कल के आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इस वक्त भीड़ वहां पर देखी जा रही है। इंद्रजीत, आपका रुख करते हुए वीरभूमि या फिर अगर हम बात करें इस हिस्से की जहां पर रोड शो चल रहा है, ये ममता बैनर्जी का गढ़ है। 2011 के बाद से ही यहां पर ममता दीदी को कोई हिला नहीं पाया, और शायद यही कारण है कि चाहे वो मिदनापुर हो या फिर ये धरती, यहां से सीधे ममता बैनर्जी के अभेद्य किले में भेद करने की कोशिश बीजेपी की। इंद्रजीत के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए किस तरह से बंगाल की किलेबंदी में बगावत वर्सेस अदावत की ये तस्वीरें। दरअसल इसके जरिए दो महत्वपूर्ण मैसेज, पहला ये कि कल मिदनापुर की रैली के जरिए न सिर्फ अलग अलग पार्टियों के तमाम नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के अपनी ताकत को बढ़ाने का बड़ा संदेश दिया है अमित शाह ने, तो आज अपनी ताकत का प्रदर्शन इस रोड शो के जरिए करते हुए अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। और अब तो अगले महीने से, यानी कि नए साल के शुरुआती महीने से ही, आपको बताते चले एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बड़े बड़े कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं। और ये जो रथ, उसके ऊपर कैलाश विजयवर्गीय जो है तो मध्य प्रदेश के बड़े नेता, देश में भी उनकी बड़ी छवि, लेकिन पिछले 5-6 सालों से पश्चिम बंगाल में लगातार वो डेरा डाले हुए हैं और वहां पर बीजेपी को मजबूत करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। वहीं दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो भी इस जो रथ बनाया गया है इस गाड़ी के ऊपर, उस पर मौजूद, जिसके जरिए धीरे धीरे करके ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ, और चारों तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और तमाम ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं और इस रोड शो में अमित शाह को देखने के लिए और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। शांति निकेतन आज वो गए जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में वो शामिल हुए। बांग्लादेश भवन सभागार में भी वो पहुंचे और बोलपुर में अब उनका ये रोड शो जो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। भाजपा के चुनावी अभियान के लिहाज से बोलपुर काफी ज्यादा अहम है। ये संसदीय क्षेत्र कभी कम्युनिस्ट पार्टी का अभेद किला हुआ करता था। 1971 से लेकर 2014 तक लगातार यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। इनमें 4 बार सरादेश रॉय और 7 बार दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी ने चुनाव जीता था। 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर किला जीत लिया और दो बार से इस सीट पर अब टीएमसी का ही कब्जा है। आपको बता दें कि दौरे का पहला दिन अमित शाह का जिस तरह का धमाकेदार रहा, आज दूसरा दिन इस भीड़ के जरिए उससे भी ज्यादा शानदार। बीजेपी के नेता यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, मिदनापुर में उनकी रैली में एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, एक सांसद, पूर्व सांसद और सीएम ममता बनर्जी के खासम खास रहे, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ आज के इस रोड शो के जरिए अब उस शक्ति प्रदर्शन की कोशिश और कवायद जिसके जरिए 2021 में ममता बनर्जी के इस किले को जीत लेने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, इसे रोड शो का हिस्सा है जो लगातार कवर करके ये देखने और समझने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इस भीड़ के मतलब और मायने क्या हैं, न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी और वहां के सत्ताधारी टीएमसी के लिए भी। मनोज्ञा, कहां तक पहुंचा है ये रोड शो और किस तरह की तस्वीरें अपने आसपास आप देख पा रही हैं? काफी ज्यादा जबरदस्त भीड़ इन तस्वीरों में हमें नजर आ रही है। मनोज्ञा, चित्रा, तस्वीरें अपने आप में कह देंगी उल्लास और हर्ष और जो एक त्योहार का माहौल जो लोग सुबह से कह रहे थे उससे कम नहीं है। दुर्गा पूजा की तरह जैसे पंडालों में दर्शन के लिए लोगों का हुजूम होता है, उसी तरह से अपने नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम है। और लोगों का हुजूम ही नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या है यहाँ पर जो इस समय
अमित शाह रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के जरिए लोगों से मुलाकात, उनसे बातचीत और उनके साथ अपना एक संवाद स्थापित करने का प्रयास। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि ये संवाद दिया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि किस तरह से भीड़ में रहकर लोगों से जुड़ना और लोगों का जुड़ाव दोनों को एक अंदाजे आयाम पर पहुंचाया जा रहा है। दोनों तरफ पटी हुई है भीड़, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और ये वो लोग हैं जो अपने मोबाइल कैमरा में कहीं तस्वीरें खींच रहे हैं तो कहीं लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही भीड़ नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि ये भीड़ आने वाले दिनों में जिस तरह से बढ़ेगी ये बड़ी बात है। ये एक संदेश देने का प्रयास, और फूल बरसाए जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, तो वहीं साथ ही साथ लोग एक के बाद एक साथ में खड़े होकर अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और बीजेपी के लिए बीरभूम बड़ी महत्व वाली जगह है। सुबह उन्होंने दोपहर में भले ही बाउल के साथ खाना खाया हो, लेकिन अब बाउल के साथ खाना खाने के बाद ये संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि हम सिर्फ खाना ही नहीं खाएंगे, लोगों के साथ सड़कों पर नजर भी आएंगे। रोड शो करने के लिए जो टीएमसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है, अब ये सड़कों पर फूट रही है। हजारों सैकड़ों की संख्या में जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। और अब अगले सवाल के साथ मनोज्ञा मैं आपके पास आते हुए, चूंकि तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त इस विधानसभा के चुनावों में बाकी है, ऐसे में इलेक्शन एक कौन विषय खूब चोलछे इन बंगाल। और रोड शो के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री इस समय न सिर्फ यहाँ पहुँच रही है बल्कि ये भी एक संदेश देने का प्रयास कि किस तरह से लोगों के बीच में जुड़ना और लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचने की कोशिश। काफी ज्यादा भीड़ है यकीनन मनोज्ञा के लिए भी, क्योंकि लगातार वो रोड शो आगे की ओर बढ़ता हुआ, और आप जैसा कि खचाखच भीड़ आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा उनके पास। दोबारा से हम चलेंगे, लेकिन अपने इस रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है। और देखिए, अलग अलग टीवी कैमरों के रिपोर्टर से बातचीत करके दरअसल ये बताने की कोशिश कि दरअसल बंगाल में परिवर्तन का वक्त आ गया है। अमित शाह कुछ यही बयां करने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बंगाल की हवाओं में जो जय श्री राम के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, वो वास्तव में क्या ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे और उनकी सरकार चल जाएगी, या फिर ममता बनर्जी जिस तरह से लेफ्ट का किला उन्होंने दरकार दिया जो कि 34 सालों से वहां पर शासन में थी, एक बार फिर से ममता बनर्जी अपने किले को बचाने में कामयाब रहेंगी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर उसके सियासी लिहाज से राजनीतिक दलों की बात करें तो शुरुआत में एक लंबा दौर कांग्रेस पार्टी का यहां पर देखा गया 1947 से लेकर 1971 तक। 1971 के बाद से वहां पर लेफ्ट शासन का कब्जा रहा और 2011 में फिर लेफ्ट शासन लगातार वहां पर बना रहा। 2011 में ममता बनर्जी यहां पर लेफ्ट को उखाड़ फेंकती हैं और उसके बाद यहां पर अपना शासन जमाए रखने में कामयाब हो जाती हैं, और फिर दोबारा 2016 का चुनाव भी वो 294 में से 211 सीटें जीत कर लेती हैं। लेकिन अब लड़ाई महत्वपूर्ण है, 2021 का ये वो समय है जब बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत का इजाफा कर रही है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा का कटआउट भी वहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उधर से गुजरता हुआ ये लंबा रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिन पहले जब बंगाल के दौरे पर गए थे तो हम सब ने देखा था किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से उनको चोटें तो नहीं आई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो इस वक्त अमित शाह के साथ इस रथ पर सवार हैं, उनको चोट जरूर लगी थी और उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके बाद न सिर्फ उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उनको मुहैया कराई गई है। और अब इस भीड़ के जरिए उस लक्ष्य को पाने की कोशिश जिसका दावा बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। मनोज्ञा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, रोड शो ये काफिला कहां तक पहुंचा, और साथ ही जिन दूसरी पार्टी के नेताओं ने कल बीजेपी का दामन थामा था, आज उनमें से कौन कौन से लोग इस रोड शो का हिस्सा बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं?
चलिए मनोज्ञा के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए जो लोग छतों पर सवार लोग हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह, उनका चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए और खचाखच भीड़ आपको भरी हुई दिखाई दे रही है और जय श्री राम के नारे वहां पर लगते हुए कल भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से मिदनापुर में जय श्री राम के नारे बार बार लगाते हुए अमित शाह नजर आए और उसके बाद जय हिंद का नारा भी वहां से गूंजा था। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस धरती के जरिए ऊपर छतों पर जो लोग मौजूद हैं देखिए कैसे फूलों की बारिश भी की जा रही है और यकीनन ये तस्वीरें ममता बैनर्जी के लिए जिन्होंने 2016 में आराम से 205 सीटें जीतकर 211 सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री बनी थी उनके लिए ये तस्वीरें यकीनन परेशानी का सबब बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं क्योंकि भीड़ ये वो पैमाना होती है जो बताती है कि किसी भी नेता की लोकप्रियता क्या है। भीड़ यही वो पैमाना होती है जो ये दिखाती है कि आगामी चुनावों का मूड क्या रहने वाला है और 2019 जीतकर बीजेपी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि दरअसल मौजूदा वक्त में वो टीएमसी के मुकाबले में खड़ी है और बीजेपी के आसपास न कांग्रेस पार्टी है और न ही जो लेफ्ट की पार्टियां हैं जिन्होंने 34 सालों का लंबा शासन किया, न वो कहीं बीजेपी के सामने, यानी कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में। ऐसे में एक तरफ जो सत्ता विरोधी लहर है उसको रोकने की कोशिश ममता दीदी की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ये जो लहर इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है उसको भी उसका भी कार्ड ढूंढने की कोशिश अब ममता बनर्जी की ओर से की जाएगी। हालांकि द्वारे द्वारे जाकर वो पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताने की कोशिश जरूर कर रही है लेकिन ये भीड़ उनकी चिंता यकीनन बढ़ा रहा होगा। बंगाल ने सत्ता के कई रंग देखे हैं लेकिन फिलहाल इस वक्त रोड शो में भगवा रंग आपको दिखाई दे रहा है। वैसे आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो देश के तमाम राज्यों की तरह बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन अभी कांग्रेस वहां पर बेहद कमजोर है। 1947 से लेकर 1977 तक कमोबेश वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी। 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट की वहां पर सरकार चलती रही। 2011 से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी वहां पर सरकार चला रही हैं और अब अगले साल चुनाव होने वाला है तो बंगाल की सियासी राजनीति तीखी होती जा रही है। एक तरफ जुबानी जंग बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी है तो वहीं इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखाने और बताने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार को। पिछले लोकसभा के जो चुनावी नतीजे सामने आए थे उसने बीजेपी की ताकत को मजबूत करने का काम बंगाल में किया था। 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत ली थी और लोकसभा चुनावों में जीतने बीजेपी के हौसले बंगाल में बुलंद कर दिए और उसके बाद पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी रही और इसी वजह से। वैसे अगर हम विधानसभा के लिहाज, चूंकि विधानसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है, हालांकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के नतीजे कई बार बिल्कुल अलग और अलहदा होते हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों के अब तक के नतीजे खासतौर से बीजेपी के लिहाज से देखें तो आपको बता दें कि 2016 के चुनावों में बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी, सिर्फ 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और वोट दहाई का आंकड़ा पार किया था 10.16%। उसके पहले 2011 की हम बात करें तो बीजेपी का विधानसभा में खाता नहीं खुला था लेकिन वोट बढ़कर पहले के चुनावों के मुकाबले 4% जरूर हो गया था। 2016 में बीजेपी का पहली बार खाता खुला था, 3 सीटें मिली थी, वो दहाई का आंकड़ा पार कर गया लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजे काफी ज्यादा अहम रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बंगाल में खाता नहीं खुला था लेकिन वोट प्रतिशत उसका 8 रहा था। 2004 के बाद 9 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का खाता तो खुला, लोकसभा में 1 सीट मिली थी लेकिन वोट फीसदी 4.14% हो गया था। 2014 में जब मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी उस समय बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली लेकिन वोट प्रतिशत बढ़कर 17.02% हो गया। लेकिन 2019 इस चुनाव में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और वोट मिल गए थे 40.64%, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से सिर्फ 7% ही कम
उसका वोट प्रतिशत रहा था। ऐसे में बीजेपी के हौसले बुलंद और 2021 में ममता बनर्जी के किले को उखाड़ फेंकने की उसकी ये कोशिश, लेकिन कामयाबी कितनी होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली इसी जीत ने बीजेपी में उम्मीदों की नई जान फूंकी थी और इसीलिए वो इस विधानसभा चुनावों में दो तिहाई जीत का दावा कर रही है और मुस्कुराते हुए ये चेहरे उसी जीत की ओर अग्रसर होने का फेस एक्सप्रेशन अपने मतदाताओं तक पहुंचाने की अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए इन बड़े नेताओं की वो कोशिश। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, इस बात को बीजेपी भी अच्छे से जानती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार बंगाल का दौरा करते रहे। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की अहमियत इस लिहाज से बढ़ जाती है कि लोकसभा में शानदार जीत से विधानसभा में उसके जीतने की आशा बढ़ गई है। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में सरकार बनाने के बाद, कई राज्यों में सरकार बनाने के बाद बंगाल पर उसकी नजरें टिकी हुई हैं और इसी वजह से इस रोड शो के जरिए उसकी नजर किस तरह से सत्ता पर है और लोगों का जन समर्थन उसको कैसे मिल रहा है यही बताने की कोशिश। और जय श्री राम के नारे भी, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं इन तस्वीरों में, जय श्री राम के नारे लगते हुए बंगाल बीजेपी के लिए भावनात्मक लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है क्योंकि उसके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी पश्चिम बंगाल से आते हैं और इसी मकसद को पूरा करने के लिए बीते दिनों हमने देखा था बीजेपी ने कैसे एक तरफ आदिवासी इलाकों पर फोकस किया, तो वहीं पिछले काफी समय से आपको बताते चले इन तमाम इलाकों में आरएसएस की सक्रियता भी बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही है। बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार ने समूचे सिस्टम को खराब कर दिया है। टीएमसी का वहीं कहना है कि बीजेपी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, ऐसे में ममता बनर्जी के सामने आखिर बीजेपी किसको प्रस्तुत करेगी और इसीलिए बार बार ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी के तमाम नेताओं को बाहरी करार देने की कोशिश की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर ये बताने की कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल से हमारी नजदीकियां किस कदर हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये धरती उनके लिए कितनी ज्यादा अहम है। जो आवाज पीछे से आ रही है, एक तरफ बीजेपी के नारे वहां पर लगते हुए बंगाली में, वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे भी हवाओं में गूंजते हुए। और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जय श्री राम के नारे पर हम सब ने देखा था ममता बनर्जी की एक जो तस्वीर सामने आई थी कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर उनको परेशान करने की कोशिश की गई। फिलहाल 2019 की राजनीति से तर ये विधानसभा चुनावों हैं और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि नेताओं की एक बड़ी फौज तो है लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने खासतौर से, ये बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि ये सवाल बार बार टीएमसी के लीडर्स की ओर से पूछा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता सिर्फ अपने फायदे के लिए बांग्ला अस्मिता का इस्तेमाल करती हैं, जबकि टीएमसी आरोप मरती देती है बीजेपी पर कि बंगाल में बाहरी लोगों का दखल भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है।
बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, चूंकि मुसलमान वोटरों की तादाद 30% से ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, तो वहीं टीएमसी की सफाई सामने आती है कि बंगाल में जाति और धर्म की राजनीति बीजेपी की नहीं चलेगी। बीजेपी कहती है कि टीएमसी हिंदू विरोधी है। टीएमसी तर्क देती है कि ममता ने पुजारियों के लिए मासिक भत्ता और मकान देने का ऐलान किया है, साथ ही दुर्गा पंडालों के लिए इस बार मदद भी की है। बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी हिंदी को तरजीह नहीं देती। टीएमसी का तर्क है कि उसने तो दिनेश त्रिवेदी के नेतृत्व में हिंदी सेल बना दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर। मनोज लोहिवाल इस वक्त अमित शाह के साथ मंच पर आपको दिखाई दे रही हैं। अगर उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी तो इस इंटरव्यू में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है आपको बता दें। दूसरे कैमरे से ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मनोज ने जो इंटरव्यू किया है वो जैसे ही हमारे पास आता है आप तक वो पहुंचाएंगे, लेकिन यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आसमान से छतों पर जो लोग हैं वो फूलों की बारिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी जो सड़क है जहां से शुरुआत हुई और जहां पर अंत होना है वो खचाखच लोगों से भरी हुई, और इसी वजह से मुस्कुराता हुआ गृहमंत्री अमित शाह का ये चेहरा इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जो लोग खड़े हैं उन सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर करते हुए अमित शाह इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर आज अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया है एक बार वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये देखिए रोड शो धीरे धीरे ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में वैसे तो मौजूदा वक्त में राजनीति के चार खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर टीएमसी है जो राज्य में सरकार चला रही है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत ली, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और चौथे नंबर पर लेफ्ट फ्रंट आ जाता है। लेकिन अभी चुनावी तैयारी में सिर्फ टीएमसी और बीजेपी ही मुख्य मुकाबले में ज्यादा दिखाई देती हैं। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की सियासत में अपना चुनावी लक्ष्य भी अमित शाह की ओर से साफ किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में टारगेट दिया जाता है अब की बार 200 पार। बीजेपी भले ही पिछले विधानसभा चुनावों में सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई हो, लेकिन इस बार 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने का वो दम दिखा रही है। हम सब ने देखा था कि किस तरह से पिछले महीने 5 और 6 नवंबर को अमित शाह जब 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो मां काली के से जीत का आशीर्वाद लिया था, और उसके बाद उन्होंने बिरसा मुंडा को नमन कर आदिवासियों को जोड़ने की कोशिश की थी, मतुआ समुदाय के घरों में भोजन कर मिशन बंगाल को आगे बढ़ाया था। कल हमने देखा कैसे उन्होंने किसान के घर खाना खाकर किसानों में बड़ा संदेश देने की कोशिश की, और आज उन्होंने लोक गायकों के घर पर भोजन कर ये बताने की कोशिश की कि वहां की संस्कृति को आत्मसात करने में बीजेपी कैसे माहिर है। और ये देखिए जो टॉप एंगल से तस्वीरें कैमरे से सामने आ रही हैं, ड्रोन कैमरे से वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरह से खचाखच चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, जितने भी रास्ते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, धीरे धीरे करके ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ। Come on!
श्री राम के नारे के भी अपने अलग ही मायने हैं और खासतौर से जब वो पश्चिम बंगाल में लग रहे हों। आपको याद दिला दें, मई 2019 में 13 तारीख थी जब अमित शाह की ओर से कहा गया कि मैं जय श्री राम का नारा लगा रहा हूं और कोलकाता जा रहा हूं और ममता दीदी में हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर लेना। आपको बता दें कि दरअसल पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर 2019 में सियासत भी देखने को मिली जो बीजेपी के लिए कामयाब रही थी और ममता बनर्जी के लिए वो परेशानी का बहुत बड़ा सबक लेकर सामने आई थी। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता दीदी की पार्टी 30% मुसलमानों को खुश रखने के लिए 70% हिंदू जनसंख्या की अनदेखी करती है। ममता की सरकार 30% लोगों की सरकार है जो बीजेपी आरोप लगाती है और राज्य में 1951 की जनगणना के दौरान 19% मुसलमान थे जो आज वहां पर बढ़कर 30% को क्रॉस कर चुके हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि इस तरह के मुद्दे जब बीजेपी उठाती है तो यकीनन उसको उसका फायदा मिलता है। यही कारण है कि अब जय श्री राम के नारे बार बार और सबसे ज्यादा गूंजते हुए अमित शाह के इस रोड शो में आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। वैसे बंगाल चुनाव की पूरी रणनीति अमित शाह तैयार कर चुके हैं लेकिन ममता बनर्जी को हराने और बीजेपी को जिताने के लिए शाह ने आगे का रोड मैप क्या बनाया है। हमने गृहमंत्री अमित शाह से सीधे बातचीत की। हमारे संवाददाता पॉलिमी साहा ने अमित शाह से सीधे सवाल पूछा, बंगाल को लेकर क्या है उनका आगे का प्लान। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप भी सुन। गृहमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं, इलेक्शंस को अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पहले भी बंगाल आया 1.5 महीने पहले, आज भी आया हूँ। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है। आज ये मेदिनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो, इस तरह का स्वागत मेदिनीपुरी जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का करा। छोर नृत्य करते हैं, फूल फेंकते हैं, पर ये स्वयंभू भीड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं पर ये है तो आउटसाइडर्स। नहीं, अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना, ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानुष होगा। कौन होगा सर? जो भी होगा, मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या? हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी, ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है। इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 IPS ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है, हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष
और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो, क्या आप इसे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर, बतौर गृहमंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने, कितने में अरेस्ट हुई, कितने में चलान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई, तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी, और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी, तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं, सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए, हम भी हमारा विचार रखेंगे, वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस, उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है, गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है, तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त, ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोक कर बैठ गई, उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई, आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। तो बार बार पश्चिम बंगाल की सरकार पर गृहमंत्री ये आरोप लगाते हुए कि दरअसल जो सहायता मिलनी चाहिए किसानों को वो सहायता नहीं देती हैं ममता बनर्जी, और इसी वजह से कटाक्ष करते हुए उन पर निशाना साधते हुए उनके ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है, हालांकि ये कोरोना का काल भी है, लोगों को थोड़ा संभल कर भी रहना चाहिए, चेहरे पर मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन ये उत्साह, उमंग और उल्लास बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिखा रहा है, जो कि ये मानकर चल रहे हैं कि 2021 के विधानसभा के चुनावों में लोकसभा जैसा ही प्रदर्शन बीजेपी करेगी और इस बार ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक गाड़ी को रथ का रथनुमा उसको बनाया गया है, उस पर बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी है, अमित शाह के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जो 5 से 6 सालों से जो बंगाल के प्रभारी भी हैं उनकी मौजूदगी है, दिलीप घोष जो कि बीजेपी के वहां के अध्यक्ष हैं उनकी भी मौजूदगी है, और ये आगे की तस्वीरें देखिए, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ खचाखच भरी भीड़ आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी, जो यकीनन बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं का जोश भरने के लिए काफी है, क्योंकि भीड़ ये वही पैमाना होती है जिसके जरिए तय किया जाता है कि जनता इधर से उधर यानी कि किधर जा रही है और अपना मकाम कैसे तय कर रही है। डाक बंगला तक ये रोड शो है, इस रोड शो की शुरुआत में हम सब ने देखा कैसे हनुमान जी के बजरंगबली के दर्शन किए अमित शाह ने, और उसके बाद उनका ये रोड शो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ। दिलचस्प ये भी है कि जो गेंदे का फूल सजाया गया है इस रथ पर वो भी पूरी तरह से पीला और भगवा है, और उसके जरिए भगवा लहर का संदेश देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है अमित शाह की। स्वागतम के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज धौलपुर के इस ऐतिहासिक रोड शो के अंदर उपस्थित आयोजनों को मैं मन पूर्वक नमस्कार भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे
ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। अरे जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उससे बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता है। और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय करके बैठी है कि इस चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है, कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। बंगाल को आगे बढ़ा, ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रुकने के लिए, ये परिवर्तन है, वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है, दादागिरी समाप्त करेंगे। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमर के स्थान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का प्रयास। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरे सवाल का हाय या ना में जवाब देना, आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया बताओ भाई, दिया ना, जरा बोलो दिया ना। तो इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला, और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला। विकास हुआ है क्या, शांति है क्या, घुसपैठ रुकी है क्या, हिंसा कम हुई है क्या, कारखाने लगे हैं क्या, बेरोजगारी घटी है क्या। मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर, विश्वास की मुट्ठी नीचे,